हाँ हाँ अगर हुई तो इसी के बाद ठीक है, शुरू करो यार। अच्छा मोहतरम, ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिसके लिए मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। ये कल वाले कॉन्सेप्ट्स हैं तीन जो हमने पढ़े थे, तो उनको मैं रिवाइज करवाने लगा हूँ। पेप्सी वालों ने इस रूम में जगह बनवा दी। जरा आप खुद ही पढ़ लें। पेप्सी वालों का ईयर एंड 31 दिसंबर है। इन्होंने साल से पहले अनाउंस कर दिया कि हमने लेज बनाने बंद करने हैं, पेप्सी जारी रखेंगे। इधर देखें पहले सारे सारे भाई, इधर देख एसी कौन कौन से चल रहे हैं, बाद में देख लें। पेप्सी वालों का ईयर एंड 31 दिसंबर है। इन्होंने अनाउंस कर दिया ईयर एंड से पहले कि हम लेज बनाना बंद करें, पेप्सी बनाना जारी रखेंगे। 31 दिसंबर पे खड़े होकर आपको नजर आ रहा है कि जनवरी फरवरी के बाद फरवरी एंड पे क्लोज हो जाने लेज बनाना, तो 20,000 यूनिट आप जनवरी फरवरी में बनाएंगे और लॉस पे बेचेंगे। आपको 31 दिसंबर पे खड़े होकर ये लग रहा है। बता दें जी, इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या रखा था? फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस। और ये रिस्ट्रक्चरिंग वाला सिनेरियो है ना। रिस्ट्रक्चरिंग का क्या होता है? रनिंग बिजनेस में लॉस नजर आ रहे हैं या बंद होने वाले बिजनेस में लॉस? चाहे रनिंग बिजनेस में लॉस नजर आए या बंद होने वाले बिजनेस में लॉस आए, ये तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है ना। तो इसलिए बता दें ये रिस्ट्रक्चरिंग वाला सिनेरियो है, और इसमें फ्यूचर में अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो लॉस आएगा, और नहीं करूंगा तो लॉस नहीं आएगा। एक मिनट यार, आप लोग इधर हो जाओ। आप पिछली रो में जगह बनवा लें, चलें ठीक है। और स्टूडेंट आए थे, फिर थोड़ा उधर हो जाए। अच्छा, फ्यूचर में लेकिन आप लेट आने वाले सबको डिस्टर्ब करते हैं। फ्यूचर में अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो लॉस आएगा, लेकिन अगर मैं फ्यूचर में ऑपरेट नहीं करूंगा तो नहीं लॉस आएगा। बता दें इसकी प्रोविजन बुक होगी या नो प्रोविजन? नो प्रोविजन। ये कॉन्सेप्ट याद है? किसने तस्वीर लेनी है तो ले ले, मैं आगे चल रहा हूं। ये सारी कल वाली बातें हैं, सिर्फ एक दो मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं। वैसे यूट्यूब पे अपलोड होगा, वहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलें। अच्छा, ये वाला जरा पढ़ें। नो रिस्ट्रक्चरिंग, अल्लाह का शुक्र है कोई कारोबार बंद होने का इरादा नहीं है हमारा। नो रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, कोई कारोबार बंद करने का इरादा नहीं है। 31 दिसंबर को आप खड़े हैं, तो किप्स वालों को किसी ने डराया है कि अगले सेशन में आप लोग पढ़ाओगे, टीचरों की तनख्वाह ज्यादा होगी, स्टूडेंट कम आएंगे, आपको लॉस आएगा। बताएं जी, कोई रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? कारोबार बंद हो रहा हो और फ्यूचर में लॉस आए, ये क्या है? कारोबार बंद करने का कोई इरादा नहीं है, फिर भी फ्यूचर में लॉस नजर आ रहा है। बताएं जी, इसकी लायबिलिटी बुक करें? क्यों? नो प्रोविजन फॉर फ्यूचर ऑपरेटिंग, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की प्रोविजन बुक करने की जरूरत नहीं है। रीजन बता दें। वी कैन अवॉइड बाय क्लोजिंग द बिजनेस, वी कैन अवॉइड बाय क्लोजिंग द बिजनेस, डन। तो ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस हो गया। नेक्स्ट, इसको अवॉइड कर सकते हैं आप। चलें जी, आ जाए फर्स्ट रो में, आ जाए। जी जी, बोलें। होंडा कार्स है, 31 दिसंबर को खड़े हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है टू सेल कार्स फ्रॉम जनवरी टू गवर्नमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट कर लिए के हुकूमत तुम्हें मैं जीप बना के दूंगा। कब से बेचना शुरू करूंगा जीपें? जनवरी में 10 गाड़ियां बेचूंगा, फरवरी में 10 गाड़ियां बेचूंगा, मार्च में 10 गाड़ियां बेचूंगा, जनवरी से इंशाल्लाह बेचना शुरू कर दूंगा। अब मुझे बता दें तो ना बेचें, अवॉइड कर लें? अवॉइड क्यों नहीं कर सकते? तो फिर इसका नाम हमने कल क्या रखा था? ऑनरेस प्रोविजन बुक करेंगे, लोअर ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज और आउटफ्लोज, डन। अच्छा,
अब क्योंकि आपने YouTube पे जाके शायद इस लेक्चर को देखना है, तो वहां से आप जो है वो तस्वीरें के स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग थी, कारोबार बंद हो रहा था, चाहे बंद होने वाले कारोबार में फ्यूचर में लॉस नजर आए, चाहे रनिंग कारोबार में फ्यूचर में लॉस नजर आए, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस की प्रोविजन बुक नहीं होती। एक मिनट, मैं इसको जरा बेहतर कर रहा हूं। एक मिनट, वो जो डेटा फिर दिया होगा उसके मुताबिक आप चलना। अभी तो मैं एक सिंपल जनरल रूल बता रहा हूं। जी मोहतरम, अनाउंस कर दिया है, पैरा कौन सा? 72 अनाउंस कर दिया है, पैरा 72। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है रीस्ट्रक्चरिंग में, पैरा नंबर 82। तो ये असल में मैं आपको हाईलाइट करके देना चाह रहा था। बहरहाल आप YouTube के ऊपर कर लीजिएगा, या एक सेकंड में तस्वीर ले ले। तो प्रोविजन बुक क्यों नहीं करनी बोले? वी कैन अवॉइड दिस फ्यूचर लॉस। डन, आगे चलें। नो रीस्ट्रक्चरिंग, हमारी कोई रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है। किप्स वालों को कोई प्रोग्राम नहीं है बिजनेस बंद करने का, लेकिन किप्स वाले क्या कर रहे हैं? किप्स वालों को ऐसे नजर आ रहा है कि अगले साल शायद टीचर ज्यादा तनख्वाह मांगे, स्टूडेंट कम आए, तो हमें क्या आएगा फ्यूचर में? इस लॉस के बारे में क्या करें? इस लॉस के बारे में ना आपने अलग से पैरा देखना है। अल्लाह अकबर, वो कौन सा पैरा था? वो 63, 64 और 65 था। हम किप्स वालों को मशवरा देंगे, प्रोविजन शैल नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर लॉसेस। अगले सालों में लॉस आने, प्रोविजन बुक ना करो। एन एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर लॉसेज एन इंडिकेशन डेट यूर सम एसेट्स मे बी इम्पेयर्ड। हो सकता है आपके कुछ एसेट इंपेयर हो गए हो, तो उन्हें इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार दो। तो ये कौन सा पैरा है? रिस्ट्रक्चरिंग तो नहीं है ये, 60 पैरा 63, 64 और 65। डन। और ये तीसरी वाली आखिरी बात थी यार, ये क्यों नहीं अवॉइड हो सकता लॉस? अब हर लॉस के बारे में कह रहे हैं कारोबार बंद करो, अवॉइड करो, कारोबार बंद करो, अवॉइड करो। आपने गवर्नमेंट से वादा कर लिया ना ईयर एंड से पहले कि हम आपको चीजें बना के देंगे, अब अगर आप मर भी जाएं तो आपने चीजें बना के देनी है। होंडा के डायरेक्टर्स अपने बच्चों को नसीहत करके जाएंगे कि बेटा ये हमारा जो मुआहदा है वो पूरा कर देना, तो बाप जाते हुए ये नसीहत करके जाएगा। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन बुक करनी होती है, पैरा नंबर लोअर ऑफ वाला कौन सा पैरा था? 68। तो ये जी पेपर में यहां पैरा 68 लगेगा। तो दीज वर द थ्री कॉन्सेप्ट्स स्टडीड बाय अस लास्ट नाइट, लास्ट डे। ओके, यार अब्दुल्ला राजपूत को फोन करो अबू बकर। अच्छा ठीक है, लेटा हुआ है यार, तो लेटा हुआ था। अच्छा लेट, अच्छा चलें, एक छोटी सी चीज कल रहेगी थी वो कर लें, फिर हम आज नए कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। पेज 249, अच्छा मोहतरम, एसेट का बैलेंस आ रहा है 18 रुपए, वो जो हम फॉर्मेट बना रहे होते थे उसमें एसेट का बैलेंस आ रहा है 18 रुपए और डिक्रीज इन प्रोविजन है 20 रुपए। कॉस्ट मॉडल है, एसेट का बैलेंस आ रहा है 18 रुपए, डिक्रीज इन प्रोविजन है 20 रुपए। अच्छा आप बता दें, हमने एंट्री क्या पढ़ी थी प्रोविजन काम होने की? प्रोविजन डेबिट, तो एसेट में तो पढ़ा ही 18 है। मजदूरों ने कहा हम 20 रुपए कम मांग रहे हैं, एसेट की बीवी सिर्फ 18 थी, तो लायबिलिटी डेबिट 20, एसेट क्रेडिट कैसे 20 से हो सकता है? एसेट तो 20 से क्रेडिट हो नहीं सकता। इन अबव केस इफ एसेट फॉल्स बिलो जीरो,
फॉल्स बिलो जीरो हो जाएगा ना। अगर एसेट में बैलेंस पड़ा हुआ है 18, आप उसमें 20 का क्रेडिट मारेंगे तो एसेट तो नेगेटिव 2 पे चला जाएगा, यानी एसेट है भी नहीं, पड़ा भी नहीं हुआ, पता नहीं किधर है। ये मैं नेगेटिव 2 का मतलब होगा, पता नहीं क्या नेगेटिव 2 का मतलब होगा। इन अबव केस इफ एसेट्स फॉल्स बिलो जीरो देन एक्सेस इज रिकॉर्डेड एज एन इनकम इन पी एंड एल। तो ट्राई करते हैं जरा एंट्री करने की। मजदूरों ने कितने पैसे मांगे कम, प्रोविजन अकाउंट को क्या करूं, डेबिट। एसेट बेचारे में पड़ा ही कितने 18, तो बाकी क्या करूं, पी एंड एल में खुशी बुक कर लूं, बस पी एंड एल में खुशी बुक कर लूं। तो एक अजीब सा सिनेरियो है, कॉस्ट मॉडल में भी पी एंड एल हिट हो रहा है, हालांकि कॉस्ट मॉडल में दो एंट्रीज पड़नी थी। नंबर वन, मजदूर ज्यादा पैसे मांगे, एसेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, मजदूर कम पैसे मांगे, लाइबिलिटी डेबिट एसेट क्रेडिट। ये तो कॉस्ट मॉडल की एंट्रीज थी, लेकिन कॉस्ट मॉडल में भी पी एंड एल हिट हो गया। कब, जब एसेट का बैलेंस जो है वो कम है और प्रोविजन जो ज्यादा बढ़ रही है, तो पी एंड एल के अंदर वो कम हो रही है, तो पी एंड एल के अंदर 2 रुपए की खुशी डाल दें, नोट कर लें। लाइबिलिटी कितने से मस्ट कम करनी है, 20 से। दिल चाह रहा था एसेट को भी 20 से कम कर दें, लेकिन एसेट में इतना बैलेंस नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, ये जो वारंटी है ना अब रह गई है हमारी, और फ्यूचर रिपेयर रह गया है, ठीक है, ये दो चीजें रह गई हैं हमारी। वैसे यहाँ एक किताब में एक समरी भी बनी हुई है, पेज 246 पे, अभी तक जो हमने पढ़ा है, पेज 246 पे। प्रोविजन, दो पार्टीज होंगी और हम किसी के खिलाफ क्या करेंगे, केस करेंगे, दो पार्टीज होंगी। ये जो प्रोविजन के हमने जितने भी सवाल पढ़े हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पैसे देने का चांस हाई होगा लो होगा, पैसे देने का चांस हाई होगा लो होगा, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पैसे देने का चांस हाई होगा लो होगा। यार कंटिंजेंट लाइबिलिटी हद हो गई, जितनी समझ आ रही चीजें भूलते जा रहे हैं, थर्ड रो में जगह बना लें यार, हद हो गई, पता नहीं बेसिक चीजें भूलते जा रहे हैं। प्रोविजन, पैसे देने का चांस, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, पैसे देने का चांस लो होगा। ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हमने पढ़ ली भी है, अच्छा ये पेज नंबर 246 है। रिमोट चांस ऑफ पेमेंट भी हो सकता है, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, ये 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। अच्छा जी, एक हमने कॉन्सेप्ट पहले दिन पढ़ा था क्लास में कि ट्रक ओवर टर्न कर गया था, तो नो लीगल और नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहली क्लास में। अच्छा, मुझे अब दिखाना पड़ेगा, अफसोस की बात है। वर्चुअली सर्टन वाला पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, कंटिंजेंट एसेट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, और नॉट प्रोबेबल या रिमोट चांस, ऐसी अजीब से मैंने डाल दिया, ये वाला पढ़ा हुआ है, पढ़ी हुई है ये चीजें, किस पेज पे पढ़ी हुई है ये भी बता दें, अब तो अफसोस हो रहा है मुझे। पेज नंबर 224, पेज 224, पेज 224, पॉइंट 4 पेज 224 पे नहीं पढ़ा हुआ, अच्छा पेज 224, पेज नंबर 224, पेज नंबर 224, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। रीइंबर्समेंट में 2 पार्टीज होती हैं या 3 पार्टीज, ये तो याद आ रहा है ना, पढ़ा हुआ है, मेहरबानी। रशीद मुर्गी वाला और वो वाला और अम्मी वाला मोटरसाइकिल वाला, रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ा हुआ है, रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ा है, तकल ताजा ताजा पढ़ा है, मेहरबानी आपकी, शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है। फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल भूला होगा, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट, और ये बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये पैरा 51 और 52 बिल्कुल शुरू में पढ़ा था। अच्छा, फ्यूचर इवेंट्स, मेट्रो ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन वाला याद है, ऑरेंज ट्रेन वाला, किताब में ऊपर जाके ये पैरा 48 ढूंढ लीजिएगा, ऑरेंज ट्रेन वाला,
ये पढ़ लिया मैं फ्यूचर इवेंट्स, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया मैं, डीकमिशनिंग पढ़ लिया मैं। क्या हमारे रह गए हैं दो कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड में? फ्यूचर रिपेयर और। अच्छा, अक्सर बच्चे पूछते थे पेपर में लिखना कैसे है, तो ये जो है ना कुछ सफ़े हैं जिसमें बताया हुआ है पेपर में लिखना कैसे है, लेकिन मैं इनको अब आपको दिखा नहीं रहा। इन सफ़ों को इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा सवालों के अंदर, जब हम IAS 1037 इकट्ठा ख़त्म कर लेंगे फिर ये सवाल करेंगे। लेकिन ये वही है जो मैं क्लास में आपको बताया करता था, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। तो पेपर में लिखना कैसे है चीज़ों को, इन सफ़ों पर बताया हुआ है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं, फ्यूचर रिपेयर और वारंटी कॉस्ट। दो कॉन्सेप्ट नहीं रह गए, सिर्फ एक रह गया है। फ्यूचर रिपेयर हमने कर ली हुई है, फर्नेस की लाइनिंग थी अंदर वाली वो फ्यूचर में रिपेयर करवानी थी, और आपका एरोक्राफ्ट इंजन था वो ओवरहॉल करवाना था। तो बता दें क्या ओवरहॉल कराए बगैर हम उस एरो इंजन को, एरोप्लेन को बेच सकते हैं? क्या चिमनी को अगर 3-4 साल बाद लाइनिंग करवानी है तो अगर हम लाइनिंग करवाए बगैर उस चिमनी को बेच सकते हैं? तो ये हमने क्लास में कॉन्सेप्ट कर लिया हुआ। इसका नाम क्या है? फ्यूचर रिपेयर। फ्यूचर रिपेयर की तो कोई लाइबिलिटी नहीं होती। आप घर बैठे हुए हैं, आपको नजर आ रहा है यार पेंट करवाना है, फ्यूचर रिपेयर, इसकी क्या लाइबिलिटी है? अगर लाइबिलिटी बुक करें तो किसको देने हैं? और अगर करवा लिया और मजदूरों को पैसे नहीं दिए फिर शायद लाइबिलिटी है, लेकिन वो तो फ्यूचर रिपेयर नहीं होगी, वो तो करवा ली होगी बल्कि रिपेयर। आखिरी कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा? वारंटी कॉस्ट। फिर IAS 37 ओवर जी, वारंटी कॉस्ट निकालें। ये दो सवाल है, आप मुझे कर दें 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि IAS 10 शुरू करने लगे हैं। Page 232 Example 15 क्या लेटर पकड़ के मुझे लाइबिलिटी के अमाउंट निकाल दें? नहीं नहीं मुफ्त में, 50 रुपए नहीं, क्या लेटर पकड़ के लाइबिलिटी के अमाउंट निकाल दें? जज्बा, जुनून, हिम्मत भाई, एसी चलवाओ ना यार, चल रहे थे इसको खोलो। ये ब्लू शर्ट में जो भाई बैठे हैं ना, ये उठेंगे अभी। और अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, ब्लू कमीज उठे, जोर लगाओ, हाँ उसमें ला रहा हूँ। हवा आ रही है? हवा आ रही है ठंडी? ठीक, कितने लोगों ने कर लिया लाइबिलिटी? कितने को भी कर रहे हैं? कितने लोगों ने ना किया ना कर रहे हैं? कितने लोगों ने तीनों दफा हाथ नहीं खड़ा किया? QL sells its products on 1 year warranty. QL एक साल की वारंटी पर चीजें बेच रही है। QL एक साल की वारंटी पर चीजें बेच रही है। QL is selling products on 1 year warranty. फर्स्ट रो में आ जाएं, ये बैग उठा लें, नहीं आगे मत हो फिर नजर नहीं आएगा, ये बैग उठा लें बस। QL sells its products, उधर रखवा देना इसको। QL sells its products on 1 year warranty. QL एक साल की वारंटी पे चीजें बेच रही है। तो देखो डर तो नहीं लग रहा, देखो कितने बच्चे बैठे हुए हैं? दो बैठे हुए हैं। फुल है क्लास? QL sells its products under a 1 year warranty which covers all types of defects. All types of defects क्या होता है? कभी आपको पता है मोबाइल में चिर की आवाज आ रही होती है, कभी चिर की आवाज आ रही होती है, कभी धर 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 की आवाज आने लग जाती है। तो हर किस्म के डिफेक्ट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। प्रीवियस हिस्ट्री इंडिकेट्स दैट 2% ऑफ द मोबाइल्स कंटेन मेजर डिफेक्ट। 2% जो मोबाइल हम बेचते हैं उसमें धर 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 की आवाजें आती हैं, मेजर डिफेक्ट। वेयर एज 10% हैव चर 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 की आवाजें आती हैं, माइनर डिफेक्ट्स। मॉडरेट इफेक्ट कोई नहीं होता, बस मेजर और माइनर दो हैं। It is estimated that if major defect is detected on all products sold, सारी पे तो defect नहीं आना ना, कहते हैं अगर सारी में major defect आ गया। वैसे बताएं सारी में आना है या 2% में?
अगर सारी में आ गया तो रिपेयर कॉस्ट आएगी 150 मिलियन मेरे ख्याल से तो नहीं सब में आना, अंदाजन कितना में आना है? तो 150 का 2% लेके कैलकुलेटर पे रख लें बताना होता तो मैं बोलता इफ माइनर डिफेक्ट इज डिडक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट्स, माइनर सब में आ जाने कितना में आने 10% में, तो कितना खर्चा आएगा? टोटल 70 मिलियन खर्चा आएगा, लेकिन सब में तो माइनर आना नहीं, तो 70 को मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू, बटन दबाएं, जी कितने लोगों ने 10 ही निकाला था, हाथ खड़ा करें, ओके तो 10 की एंट्री बता दें, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। अगर आपको बुरा ना लगे तो IS 12 एंट्री बोलें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। ये अकाउंट हम प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी का भी बनाते थे, ये अकाउंट प्रोविजन फॉर वारंटी का भी है। अभी पेमेंट्स पता नहीं क्यों नहीं हुई, सवाल एक दो दिन में मैं आपको कराऊंगा, उसमें पेमेंट्स भी आया करेंगे। फिलहाल ये एंट्री कर लें, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और टी अकाउंट बना लें, बिल्कुल IS 12 जैसा। अकाउंटिंग वाले ये खर्चे में डालते हैं और टैक्स वाले ये खर्चे में डालते हैं, कैरिंग अमाउंट इसकी ये आ जाती है, टैक्स बेस जीरो होती है। ऐसे IS 12 जहन में आया मेरे, पता नहीं क्या क्या रहता जहन में, ये मसला है, ये क्लास के बाद आओ मैं सेट करता हूँ। ओके, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट और टी अकाउंट कैसे बनेगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। कब जा रहे हो? कल कौन कौन नहीं आएगा? चित्तर मारे बंदा प्यार से बबलू, ये कल सर घर से आ जाएंगे यहां तक, और आप मैं घर के लिए चला जाऊंगा क्योंकि मैं, अच्छा ठीक है, मर्जी है आपकी। ट्राई करें यार एग्जांपल 16, वारंटीज तो आप खुद ही कर रहे हैं तो कमाल हो गया है, मेरा ख्याल था मुझे कराना पड़ेगा। एग्जांपल 16 ट्राई करें, वारंटी कॉस्ट निकालें, छोटी सी गेम है इस सवाल में, एक वो पकड़ लीजिएगा यार, इधर पर यूनिट दिया हुआ है नुकसान या ओवरऑल नुकसान दिया हुआ है? पर यूनिट दिया हुआ है, पहले ओवरऑल नुकसान दिया हुआ था, अब पर यूनिट नुकसान दिया हुआ है। ये साहिवाल नहीं उकाड़ा के पास, और उकाड़ा साहिवाल के पास, तो साहिवाल मैन्युफैक्चरर है, सोल्ड 10,000 यूनिट्स इन द ईयर, इस साल कितने यूनिट्स बेचे? 10,000। सेल्स एक्रूड इवनली ओवर द ईयर, सेल बराबर होती रही है पूरा साल, यानी अगर दो महीने में दो चीजें बेची तो एक महीने में एक, अगर दो महीने में चार चीजें बेची तो एक महीने में दो। हालांकि ऐसा बिजनेस में होता नहीं है, आपको पता है किसी महीने में ज्यादा सेल होती है किसी में कम हो रही होती है, लेकिन अजीब सी अजम्पशन ले रहा है कि हर महीने बराबर चीजें बिकी हैं। सेल्स एक्रूड इवनली ओवर द ईयर, इट एस्टिमेट्स दैट फॉर एवरी 100 आइटम सोल्ड, हर 100 चीजें जो बेचेंगे उसमें से 20 तो स्मॉल रिपेयर के लिए आएंगी, 20 भी कह सकते हैं आप इसको, 20% भी कह सकते हैं, 20% चीजें किस रिपेयर के लिए आएंगी? स्मॉल रिपेयर के लिए, चिर 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 तर 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 तर, जो वादे आ रही होती हैं स्मॉल रिपेयर, और फिर स्मॉल रिपेयर एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, ओहो यार ये तो क्वेश्चन में भी एरर है, 100 के साथ ईच नहीं लिखा हुआ, 400 के साथ इन्होंने ईच लिखा हुआ, इसके साथ ईच लिखा होना चाहिए था, क्वेश्चन में एरर है। अच्छा आप कह रहे हैं हमने वैसे ही समझा था, अच्छा तो 20 विल रिक्वायर स्मॉल रिपेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज
100 ईच, 10 विल रिक्वायर अ सब्सटेंशियल रिपेयर, सब्सटेंशियल रिपेयर, आवाजें आ रही हैं इसमें से, 10 विल रिक्वायर द सब्सटेंशियल रिपेयर, तो 10 से मुराद मैं ले सकता हूं 10% की सब्सटेंशियल रिपेयर होनी है, 10 के मुराद 10 फ्रॉम 100, एवरी 100 में से 10, एवरी 100 में से, तो 100 में से 20 की क्या हो जानी है स्मॉल रिपेयर, 100 में से 10 की, एंड 5 विल रिक्वायर अ मेजर रिपेयर और रिप्लेसमेंट। वॉशिंग मशीन घर लेके गए आपने, जो है वो क्या किया, आपने कपड़े धोए धुल नहीं रहे, आपने खाली बनियान डाल के देखी वो भी नहीं धुली, आपने सिर्फ जराबें डाल के देखी वो भी नहीं धुली, आप मशीन लेके पहुंच गए दुकान पे वापस, भाई जी ने की दिता है, तो 5 विल रिक्वायर द मेजर रिपेयर और रिप्लेसमेंट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 800 ईच, ऑन एवरेज नीड फॉर रिपेयर बिकम्स अपेरेंट 6 months आफ्टर, जैसे ही सेल होती है तो 6 महीने रिपेयर की जरूरत पड़ जाती है ऑन एवरेज, जैसे ही सेल होती है तो 6 महीने जरूरत पड़ जाती है सेल की रिपेयर की ऑन एवरेज, जल्दी खत्म हो गया, जनवरी वाली चीजें जो यकम जनवरी को बिकी होंगी उनकी रिपेयर की जरूरत पड़ गई होगी यकम जुलाई में, 4 फरवरी को जो बिकी होंगी उनकी इधर जरूरत पड़ गई होगी रिपेयर की, ऑन एवरेज रिपेयर की जरूरत पड़ती है 6 months में, यानी 6 महीने रिपेयर की जरूरत महसूस हो जाती है, मार्च वालों की इधर रिपेयर हो गई होंगी, इसका मतलब है जो अगले साल रिपेयर होनी है ना वो ये वाली चीजें होनी है जो मैंने कब से कब तक बेची हैं, जुलाई से दिसंबर तक की, क्योंकि ये वाली इधर रिपेयर होगी होंगी, ये वाली इधर रिपेयर होगी होंगी, ये वाली इधर, ये वाली इधर, ये वाली इधर, और जून वाली दिसंबर में, ऑन एवरेज रिपेयर की जरूरत कितने अरसे बाद पड़ती है, भाई आप उठो, आप उठ के उस थर्ड रो में आ जाओ, इधर फर्स्ट रो में आके बैठे वेट करें, आप उठो थर्ड रो में आ जाओ, तो ऑन एवरेज रिपेयर की जरूरत कब पड़ती है बोलें, 6 महीने बाद, तो ऑन एवरेज नीड ऑफ रिपेयर अरोज आफ्टर 6 months, तो आप बता दें जो आप भी इधर हो जाएं, बाकी उधर से इधर हो जाएं, आपको उधर से नजर नहीं आ रहा होगा, और अब आप मुझे बता दें कौन सी वाली चीजों की रिपेयर की जरूरत पड़ी होगी, ये 6 महीने वालों की रिपेयर की जरूरत पड़ी होगी या इन 6 महीने वालों की, अब तो पहले 6 महीने वाली शायद रिपेयर हो चुकी हो, अब कौन सी वाली रिपेयर हो नी है अगले 6 महीने वाली, वैसे टोटल हमने कितनी चीजें बेची हैं, कहां लिखा हुआ है ऊपर पहली लाइन में 10,000, अब ये सारी कैलकुलेशन 5,000 पे करें या 10,000 पे करें, 5,000 पे करें, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं 100% चीजें बेचूं तो 20%, 10% और 5% रिपेयर के लिए आनी है, यानी 35% रिपेयर के लिए आनी है और 65% चीजें अल्लाह का शुक्र है रिपेयर के लिए नहीं आती, नाउ व्हाट आई विल डू, व्हाट आर माय नंबर ऑफ यूनिट्स, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 या इंटू 6/12 कितने हो गए, 5,000, 5,000 का 20% 1,000. For every 120 या for every 5,000 1,000 will appear for small repair and बाकी 10% 500 और बाकी 5% 250 कितने रुपए की रिपेयर होनी है 100 रुपए की ईच 400 जी कितने लोगों ने कैलकुलेशन 10,000 की बेस पे कर दी थी कितने लोगों ने 5,000 की बेस पे अच्छा तो इज इक्वल टू कितना आ गया 1,00,000 2,00,000 2,00,000 साथ वाले बबलू गए 2,00,000 5,00,000 की लाइबिलिटी होगी एनओटी
साल के से शुरू किया, जो पिछले छः महीने वाली थे पिछले साल की, वो हमारे शुरू में होगी होंगी। तो हमने सिक्स क्यों की है बैक टू 10,000 जो हमने रिपेयर की है, तो पिछले साल भी तो हमारी थी, अब जुलाई से दिसंबर वाली, तो वो भी तो रिपेयर होनी चाहिए साल में। वो तो साल के शुरू में होगी होंगी ना, मैं सिर्फ प्रोविजन का कैरी डाउन आपसे पूछ रहा हूँ, मैं एक्सपेंस नहीं पूछ रहा, ये कैरी डाउन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पिछले सवाल में सेल 5 लाख की लिखी हुई थी, उसका क्या सेल कितनी लिखी हुई थी? तो सेल का आप कुछ करना नहीं ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है पेपर कहे सेल पे परसेंटेज लगाओ प्रोविजन की, वो फिर हम सेल पे लगा देंगे परसेंटेज। अभी सेल पे परसेंटेज लगाने को कह रहा था या डिफेक्ट की अमाउंट दे रहा था? वो डिफेक्ट की अमाउंट दे रहा था तो परेशान करने के लिए, आपको पता है जारी बात है कोई ना कोई चीज़ डालता है, ये उसने ऐसी परेशान करने के लिए सेल डाली थी। चलें जी IS-10 क्या वह कूलिंग नहीं हो रही? नहीं हो रही है नीचे? भाई दानिश इसको जरा नीचे करवा दो यार, वो बोला AC ऑन करवाओ। अब्दुल्ला अब्दुल्ला उधर से क्या चीज? दानिश इसको आके ना आगे नीचे करो। ओके नीचे कर दें, स्विंग पे नहीं, स्विंग पे ना करें, नीचे ही कर दें, फुल 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 नीचे करो। फुल नीचे क्यों नहीं हो रहा? मैनुअली करना पड़ेगा। अच्छा कर दें आप, खड़ी होकर नीचे। अच्छा जी शुक्रिया। अच्छा भाई रिपोर्टिंग डेट और बैलेंस शीट डेट एक ही चीज़ होती है, जिसे आप ईयर एंड की डेट कहते हैं। कौन सी डेट कहते हैं? ईयर एंड की। अब IS-10 में सिर्फ एक मसला है जो आपने समझना है, वो 5 से 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे उसकी प्रैक्टिस ही है। IS-10 इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट, ये कहते हैं सितंबर 2010 है। ये कहते हैं सितंबर 2010 के साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अकाउंटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वो अकाउंटेंट एक तो है ऑडिटर, जिसे आप एक्सटर्नल ऑडिटर भी कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं KPMG वाले एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, एक है PTCL का अंदर अपना अकाउंटेंट, जिसे मैं कहूं CFO, नहीं इंटरनल ऑडिटर नहीं मैं कहना चाह रहा, अकाउंटेंट CFO। PTCL के अकाउंटेंट ने PTCL की 31 दिसंबर 2010 के साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या 31 दिसंबर 2010 की रात को बना सकता है या नहीं? नहीं बना सकता। BRS भी बनानी होती है, डेटर कंट्रोल अकाउंट की रिकॉन्सिलेशन भी बनानी होती हैं, ये जो मैंने प्रोविजंस निकाल के दिखाई ये भी कैलकुलेट करनी होती हैं, और इसके साथ कई एस्टीमेट्स लगाने होते हैं, चेंज इन लाइफ, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हज़ारों चीज़ें होती हैं। तो ऐसी सूरत में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको फाइनलाइज होते 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 January 2011 आ जाता है, तो जनवरी या फरवरी के अंदर जाके, मिसाल के तौर पे फरवरी के स्टार्ट में जाके अकाउंटेंट्स ने PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने एंड से बना ली, और अकाउंटेंट ने फिर ऑडिटर को फोन किया कि ऑडिटर साहब आप तशरीफ लाएं और अब आप चेक करें कि मैंने कहां कहां बोंगी मारी है। तो एक्सटर्नल ऑडिटर एक फॉर्म है जिसको आप हायर करेंगे 10-15 लाख देके, वो आके आपके अकाउंट्स का ऑडिट करेगी, जिस टीम में आप भी जाएंगे एज अ जूनियर या सीनियर या सेमी सीनियर। तो आप जाके आप ऑडिट करेंगे PTCL वालों का,
और पीटीसीएल का ऑडिट करके बताएंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट्स ने बनाई हैं इनमें क्या एरर्स हैं, और करते 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 फिर ऑडिटर्स फाइनल कर लेंगे, सारी गलतियां सही कर देंगे। इसके बाद एक दिन आएगा जिस दिन डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑथोराइज करेंगे फॉर इशू टू शेयर होल्डर्स। डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथोराइज करेंगे, डायरेक्टर्स विल ऑथोराइज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस पर समझ लें, साइन करेंगे, डायरेक्टर्स विल ऑथोराइज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, अब सवाल यह होगा कि इस तीन महीने में जो कोई गलती इस साल से रिलेटेड पकड़ी गई, क्या उसको इधर की डेट डाल के रिकॉर्ड कर दें या ना करें? मिसाल के तौर पे चोरी हुई इधर और पकड़ी गई इधर, चोरी हुई साल से पहले और पकड़ी गई साल के बाद। अब सवाल यह है कि ऑडिटर्स ने कहा, भाईजान हमें पता चला है कि आपकी दराज में जो कैश आपने शो किया हुआ है वो 1,00,000 रुपए है, तो हमें तो पता चले लाख की बजाय उधर सिर्फ 80,000 रुपए पड़े हुए थे। एक बार याद रखिएगा, ऑडिटर्स एक काम करते होते हैं, ऑडिटर्स ना 31 दिसंबर को ही अपनी टीम भेज के ना हर जगह दराज वाला कैश, पड़े हुए फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री वगैरह काउंट करवाते हैं। शायद आपने अपने कभी किसी और से सुना हो जो बंदा आर्टिकल्स करे कि यार अभी 31 दिसंबर आया है या 30 जून आया है तो मैं स्टॉक काउंट के लिए गया हूँ, तो ऑडिटर्स के पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किस दिन कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा था। तो ऑडिटर्स ने आके कहा कि भाई जान आपकी किताबों में शोर है 1,00,000 रुपया कैश, लेकिन जब हमने बंदे भेजे थे उन्होंने तो 80,000 कैश बताया था, तो ये आप लोगों ने क्या किया, ये आपने एंट्री की नहीं। अब ये गलती कब पकड़ी गई? मिसाल के तौर पर 10 फरवरी को पकड़ी गई। ये चोरी हुई कब थी? मिसाल के तौर पर 1 अगस्त के महीने में हुई थी। इस पर आप 31 दिसंबर की डेट डालेंगे, बैक डेट सिस्टम में जाके बैक डेट डालेंगे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन होगी आपके पास, बैक डेट डालेंगे 31 दिसंबर की और आप एंट्री कर देंगे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ये एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी ये चोरी हो गया। इस इवेंट को कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट। इस इवेंट को क्या कहते हैं? हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये बड़ा हुआ स्टैंडर्ड पहले, अभी इधर आप देखें, इस इवेंट को क्या कहते हैं बोले? एडजस्टिंग इवेंट। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे, सही करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करेंगे। ओके, अगली चीज, चोर ने चोरी की, चोर ने चोरी खाई आके, चोर ने जनवरी में चोरी की, फरवरी में चोरी पकड़ी गई, क्या इसको आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 दिसंबर वाली में एडजस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? अगर 31 दिसंबर को मैं जाता और कैश गिनता तो कितना कैश पड़ा होता? पूरा 1,00,000 पड़ा होता या 80,000? तो बता दें, एज ऑन बैलेंस शीट के ऊपर जब मैं लिख रहा हूं एज ऑन 31 दिसंबर 2010, तो एज ऑन को कितना था? 1,00,000। तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें, अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज कर दें। और इस इवेंट का नाम क्या रखेंगे? एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट? ओके, मैं आपको भी नोट करने का टाइम देता हूं। तो इवेंट्स कितने किस्म के हो गए जी? 2, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। अच्छा, एडजस्टिंग की क्या मिसाल? चोरी हुई अगस्त में और पता चला 4 फरवरी 2011, और चोरी हुई अगस्त 2010 में, इसका नाम क्या रखेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। इसकी क्या करेंगे? जनरल एंट्री, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। दूसरा इवेंट कौन सा है? नॉन एडजस्टिंग।
नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है? चोरी हुई 5 जनवरी को 2011 में अगले साल, और पता चला 4 फरवरी को। जी, नो जर्नल एंट्री, बिकॉज नॉन एडजस्टिंग का उर्दू में मतलब ही ये है, डू नॉट एडजस्ट। हाउएवर, डिस्क्लोज इफ इट इज मटीरियल। पेपर में जज करेंगे ये अमाउंट मटीरियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं, या ये लाइन लिख के आ जाएंगे बस? पेपर में जज नहीं करेंगे आप ये अमाउंट मटीरियल है या इमटीरियल, आप बस ये लाइन लिख के आ जाएंगे। हाउएवर, इफ दिस अमाउंट इज मटीरियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको डिस्क्लोज कर दें। आपकी जेब में 1,00,000 रुपए है, 2 रुपए गुम गए, ओ यार जान दे यार, 15 मिनट तो तूने इधर जाया करने, चल आ जाओ कोई कंसोलिडेशन का सवाल कर लेते हैं। और आपकी जेब के अंदर है ही 5 रुपए और 2 रुपए गुम गए, ओ यार इधर किधर है यार टाइम। तो मटीरियलिटी इमटीरियलिटी डिपेंड करती है, तो कर ले नोट या मैं आ जाऊं। डिस्क्लोज कर दें यूजर्स को कि साल के बाद एक फड्डा हो गया जिसकी वजह से हमारे साथ हैंड हो गया। हाँ हमारे हाँ, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर मटेरियल है तो उनको बता दो, ये जो कैरी डाउन कैश पड़ा हुआ है अब नहीं है, बेहतर है बता दो उनको। मेरा कंप्यूटर किधर है? ये बड़ा हुआ है, ये बड़ा ना दिस पीसी। मैं आपसे पूछ रहा था मेरा कंप्यूटर किधर है। वो जो लंबे से कद का इधर लड़का बैठता है इस क्लास का, दूसरी क्लास का आता था, क्या नाम है उसका? हाशिर, अजीब है शहजादा, लाहौर रहता है ठोकर पे और गायब हुआ है। ये तरह अंग्रेजी पढ़े, ये अंग्रेजी पढ़े। इवेंट डेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, इवेंट डेट आर इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन डेट अरोज आफ्टर बैलेंस शीट डेट। किस पर लफ्ज पे आपने फोकस किया है? एग्जिस्टेड, समझाया? तो ये ना इंग्लिश का फिक्रा आपने सॉल्यूशन में लिखना होगा, लेकिन ये भी मैं स्टैंडर्ड खोल के दिखा देता हूं। तो स्टैंडर्ड में ये दोनों फिक्रे लिखे हुए हैं। इन इवेंट्स को क्या कहा करेंगे? दीज आर द इवेंट्स डेट प्रोवाइड सबूत ऑफ अ नुकसान डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट से पहले चोरी हो चुकी हुई थी ना, वो तो हमें नहीं पता थी। बट इधर
इट इज एन इवेंट दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ मसला दैट अरोज आफ्टर बैलेंस शीट डेट. चोर कब आया? 5 जनवरी में. डेट अरोज आफ्टर बैलेंस शीट डेट. और इधर डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट. तो ये जरा फिक्र है ना, एक दो मिनट लगा के याद कर लें दोनों. जी हाँ, अगले साल इंशाल्लाह इसकी एंट्री करेंगे. ये जो सारी डिस्कशन है ना, ये डिस्कशन है, ऊपर हेडिंग दे लो फॉर ईयर एंड 31/12/10. इस 31/12/10 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन इश्यूज को कैसे टेकअप करना है वो मैं समझाना चाह रहा हूं. 31/12/10 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको कैसे टेकअप करना है. इकतीस बारह दस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूसरी चोरी रिकॉर्ड करने की जरूरत क्यों नहीं है? चोर को क्या कहें, पहले आ जाते तो चोरी बाद में आया तो फिर हमने भी लिफ्ट नहीं कराई दूसरी एंट्री को. IS-10 घर में जाके आपने खोलने पार्ट ए टू IS-10 घर जाके खोलने और इसका पैरा 3 हाईलाइट कर लेना. लिख लें रजिस्टर पे पैरा 3 IS-10. द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज इन दिस स्टैंडर्ड मेहरबानी विद द मीनिंग ऑफ IAS होते हैं पार्ट ए टू में. अच्छा, पार्ट सी को तो डस्टबिन में फेंक दें, वो तो सीए करने के बाद आपने देखना है. उसमें स्टैंडर्ड बनने की लॉजिक्स लिखी हुई है. तो पार्ट सी को तो वो अम्मी के जेवर वाली पेटी में रखा है, पार्ट सी को तो वहां रख दें. पीछे रह गया पार्ट ए और बी. पार्ट बी में सिर्फ IS-37 की एग्जांपल्स हैं, और कोई ही तो मैं बताऊंगा. A1 और A2 है असल. तो उसमें A1 में IFRS है, A2 के अंदर IAS है. तो ये IAS-10 है. तो IAS-10 द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन दिस स्टैंडर्ड विद द मीनिंग स्पेसिफाइड. इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. ये मेरा रिपोर्टिंग पीरियड है, ये मेरी रिपोर्टिंग डेट है. इवेंट्स, इवेंट्स से मतलब पता चला आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स फेवरेबल एंड अनफेवरेबल. इस बहस में तो मैं नहीं गया. ये इवेंट दोनों जो हैं क्या हैं? अनफेवरेबल. फेवरेबल होते हैं हमें खुशी हुई, फेवरेबल अनफेवरेबल की बहस में मैं नहीं पढ़ा. इवेंट फेवरेबल भी हो सकता है अनफेवरेबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ें. इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट आर दोज इवेंट्स दैट अकर बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट वेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथोराइज्ड फॉर इशू. डायरेक्टर्स विल ऑथोराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इशू. अब हमारी नजर में डायरेक्टर कहते हैं इशू कर दें, कोई मसला नहीं. इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स डेट अकर बिटवीन एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट वेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑथोराइज. इन 3 महीने के अंदर होने वाले इवेंट्स को क्या कहेंगे? या एडजस्टिंग या 2 types ऑफ इवेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड. दोज डेट प्रोवाइड सबूत ऑफ अ नुकसान डेट वॉज मौजूद एट बैलेंस शीट डेट. इनका नाम क्या रखा करेंगे? एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड. आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब यह है कि पता बाद में चला ना, वो तो पहले चुके हैं. और दूसरी चोरी को ध्यान में लाएं. दोज डेट आर इंडिकेटिव ऑफ अ मसला डेट अरोज. तो दीज आर इंडिकेटिंग अ मसला डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड दीज आर नॉट इंडिकेटिंग, दीज आर प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ अ मसला डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट. जी फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो जिस स्टेट को चोरी जिस स्टेट को पकड़ी गई उस स्टेट को छुप करके एंट्री कर दो, बस हमारे साल में एंट्री होनी चाहिए. अच्छा मोहतरम अब निकाल लें, एक एग्जांपल है हमारी किताब में, बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें. तो ये कोई ये कोई 16-17 सिनेरियोज हैं,
इन सारे 16-17 सिनेरियोस को हम पढ़ के देख लेते हैं कि किस इवेंट को एडजस्ट करेंगे और किसको एडजस्ट नहीं करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह, पहला पढ़ लें जी। पहला सिनेरियो पढ़ लें, 255। पढ़ लिया जी, तो लिख लें आगे अपना कंक्लूजन, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। लेट्स स्टार्ट जी। नहीं यार, एक काम पहले कर लें, रिक्वायरमेंट पढ़ लें। डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अबव इश्यूज शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। ये एक नया कॉन्सेप्ट सुने। एज्यूम दैट ईयर एंड क्या है हमारा, 31 दिसंबर 2013। एज्यूम दैट WL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर डिस्पैच। ऑथराइज कर देगी आप इन्हें, डिस्पैच कर दो, और ऑथराइज फॉर डिस्पैच 3 months आफ्टर द ईयर एंड बाय डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ने इनको ऑथराइज कर दिया डिस्पैच के लिए कितने अरसे में, तो 31 मार्च 2014 को डायरेक्टर्स ने इनको डिस्पैच कर दिया फॉर इशू कर साइन करके इनको इशू की इजाजत दे दी है। यार एक और काम होता है, इसको ना शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं, वो अप्रूवल ना डायरेक्टर्स की ऑथराइजेशन के बाद होती है, तो वो अप्रूवल एक फॉर्मेलिटी सी होती है। शेयर होल्डर्स सारे आ जाते हैं, देखें शेखे पकती हैं, कुछ 200-300 बंदा आया होता है, तो उधर से बातें चल रही होती हैं ऑफिशियल, भाईजन अप्रूव कर दें शेयर होल्डर्स आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। शेयर होल्डर कहते हैं हमें खुशबू आ रही है, आप बताओ खाना कब खुलना है। तो ये एक फॉर्मेलिटी सी सिर्फ होती है कि शेयर होल्डर से हमने क्या करवानी है, अप्रूवल। तो शेयर होल्डर से अप्रूवल्स होती है। डायरेक्टर आपको पता है कंपनी के 4, 5, 6, 7 होते हैं सिर्फ, लेकिन शेयर होल्डर हज़ारों होते हैं। तो शेयर होल्डर्स की साल में एक दफ़ा मीटिंग होती है, तो जब डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर देते हैं उसके बाद जाके किनसे अप्रूव होती हैं। इसकी बुनियाद पर स्टैंडर्ड ने कोई डिसीजन नहीं लिया, इसलिए इस लाइन को पेपर में इग्नोर किया करना है। जो डिसीजन लिया स्टैंडर्ड ने वो क्या लिया है कि डायरेक्टर के ऑथोराइज करने से पहले पहले अगर आपको कुछ पता चल गया ना, तो उसको आपने डिस्कस करना है एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग। शेयर होल्डर्स ने क्या किया उसको छोड़ें। ऑन 28 दिसंबर 2013 को एक डेटर की फैक्ट्री थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी आग से। अच्छा वैसे 31 दिसंबर को हमारे दिल में कुछ कुछ होने लग गया होगा कि पता नहीं अब ये डेटर मुझे पैसे दे ना दे, ये डेटर मुझे पैसे दे ना दे। 31 दिसंबर 2013 को हमारे दिल में कुछ ना कुछ होने लग गया होगा, क्यों? क्योंकि 28 को उसकी फैक्ट्री में क्या लग गई है, ही वॉज डिक्लेयर बैंक करप्ट बाय कोर्ट, लिख लें, ही वॉज डिक्लेयर बैंक करप्ट बाय कोर्ट ऑन 10 जनवरी, और जी रेंट पर उसने हमें 3 मिलियन देने थे। जी मोहतरम, आग कब लगी? 28 दिसंबर को आग लगी किसकी फैक्ट्री में, हमारे दिल में या डेटर की फैक्ट्री में? डेटर की फैक्ट्री में आग लगी, और 10 जनवरी को हमें पता चला, क्या पता चला कि डेटर क्या है, बैंक करप्ट है। तो इंग्लिश का फिक्रा जरा आप लिखने की कोशिश करें, जाहिर बात है हमारे साल में कोई मसला था, जरा नजर मारें कोई मसला था साल के एंड पे खड़े होके बूथा इधर करके नजर मारें, कोई मसला था? था, बस कंफर्म होने की देर थी ना, था ना मसला, बस कंफर्म होने की देर थी। तो इसका मतलब है दिस इज एन इवेंट डेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। चलें फिक्रा लिखें, सॉल्यूशन लिखें। द बैंक करप्सी ऑफ डेटर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, द बैंक करप्सी ऑफ डेटर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट आगे बस ये इंग्लिश लिख लें, बैंक करप्सी ऑफ डेटर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट प्रोवाइड एविडेंस, प्रोवाइड एविडेंस
ऑफ अ कंडीशन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट. डेट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट. आप देखें आपने नंबर लेने के लिए क्या क्या फनकारियां करनी है. फुल स्टॉप के बाद फनकारियां शुरू करें. देयरफॉर दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट. दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013. Therefore, this is an adjusting event for 31 December 2013. And expense should be increased and debtor should be decreased. And expense should be increased and debtor should be decreased. Bad debt ki entry ho jani chahiye. Therefore, expense should be increased and debtor should be decreased. ओके चलें जी अगला पढ़ें. ऑन 6 January 2014 साल खत्म होने जी जी हाँ अमाउंटिंग टू ₹3 million लिख लो. गुड अमाउंटिंग टू ₹3 million लिख लें. अमाउंट लिख लें. ऑन 6 January 2014 साल खत्म होने के 6 दिन बाद एक और डेटर की फैक्ट्री में आग लगी. हमारे ही डेटरों की फैक्ट्रियों में आगे लगती हैं. एक और डेटर की फैक्ट्री में आग लग गई जिसने मुझे 22 मिलियन देना था एट जीयर एंड पे जिसकी फैक्ट्री में आग लग गई. ही वॉज डिक्लेयर बैंक करप्ट ऑन 15 January. जी मोहतरम डेटर की फैक्ट्री में आग कब लगी. 6 January को अन्नी पैगी और हमें पता कब चला. साल के बाद. इन दोनों फिक्रों में से कोई फिक्रा सेट करें. हाँ लिखें द बैंक करप्सी आफ्टर ईयर एंड बैंक करप्सी आफ्टर ईयर एंड is an indication. The bankruptcy after year end is an indication of a condition debtor owes after the balance sheet date. एक अच्छे भाई underline कर रहे हैं solution. ठीक है. Therefore, it is an adjusting event. Therefore, it is a non-adjusting event. Therefore, it is a non-adjusting event. मुकम्मल रुक जाएं. English वाले full stop कहते हैं ना इसको. Full stop लगाएं. However, if the amount is material. हो सकते बिल गेट हो 22 मिलियन मटीरियल ना उसके लिए लेकिन शायद हमारे लिए हो. हाउएवर इफ द अमाउंट इज मटीरियल देन इट विल बी डिस्क्लोज्ड. हाउएवर इफ द अब देखें ना हम कैसे फनकारियां लगा के सवाल के सलूशन को खींच रहे हैं. हाउएवर इफ द अमाउंट इज मटीरियल देन इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013 के नोट्स में ये नोट जाएगा. हाउएवर इफ द अमाउंट इज मटीरियल इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013. चलें जी मेरी तरफ से अब सॉल्यूशन लिखवाने बंद हो गए बस अब हम एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग चेक करेंगे. पॉइंट 3 नहीं पढ़ना अभी जी. नहीं नहीं नहीं. पॉइंट 4 ऑन 16 जनवरी 2014 को लाइट एमिटिंग डायोड टेलीविजन सेट्स वेलिंग ₹20 lakh विथड्रॉस.
फ्रॉम अ वेयरहाउस, वेयरहाउस से गायब हो गए। 16 जनवरी को चोरी हुई, ये स्टॉक 31 दिसंबर को हमारे पास पड़ा हुआ था, 31 दिसंबर को पड़ा हुआ था, 16 को चोरी हुई। तो अब ये ना कहे हमें पता कब चला, पता चल ही गया होगा ना, पता चले तो सवाल बता रहे, 18 को पता चल गया, 19 को पता चल गया होगा, 16 को रात को पता चल गया होगा, होते हुए पता चल गया, चल जाता तो अच्छी बात थी। तो अब बताते हैं चोरी कब हुई। तो चोरी हुई साल के बाद, तो इट इज एन इवेंट डेटा इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन डेट अरोज, देयरफॉर इट विल इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट, हाउएवर इफ द अमाउंट इज मटीरियल इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013। चलें जी पॉइंट फाइव, मुझे जनरल एंट्रीज कर दें जल्दी से, दो मिनट आपको दे रहा हूं, जनरल एंट्रीज कर दें। जनरेटिस कर दें, अब्दुल्ला राजपूत 50 रुपए के 4 नोट ले आओ, 50 के 4 नोट जल्दी जी, एक मिनट रह गया है, एक मिनट रह गया, जनरल एंट्रीज कर दें, दो हाथ खड़ा कर दें, सारे ने कर लिया। चलें ठीक है जी, ओवर। अब हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने एंट्रीज की थी, मैं देख लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बस ठीक है, ये जो हाथ खड़े हुए हैं ये काफी हैं, अब इनमें से टेस्ट कर लेंगे हम जी, दिखाते रहे एंट्रीज जी। और किसने किया था हाथ खड़ा, और किसने हाथ खड़ा किया था, ये तो एंट्री पूरी नहीं है, एंट्री पूरी नहीं है, कितने से गलत, गलत गलत नहीं नहीं ड्राइंग्स डेबिट नहीं गलत। अब्दुल्ला राजपूत पैसे ना लेके आओ बेटा, दिखाओ और जान दे यार, और किधर गए, और किधर गए भाई जान, आप चलें करें एंट्री, अच्छा चल एंट्री तो करना, दिखाओ तुमने हाथ खड़ा किया था, चलें जी हाथ खड़ा करें जिसने एंट्री अपनी सही कर ली है, आप सही कर लिया, पहले गलत की थी जी, दिखाएं गलत है, गलत है दिखाओ, गलत है, एंट्री सही कर ली है, रहने दो रहने दो जी, गलत गलत गलत, एक्सेलेंट यार, ले 50 रुपए, 50 रुपए ले आए, और किसी ने की हो इनको देने 50 रुपए। पहली एंट्री कितने रुपए से किया भाई, 7 रुपए से, दूसरी एंट्री 5.6, एक्सेलेंट, पहली एंट्री 7 रुपए से, दूसरी एंट्री 5.6 से, चलें जी बिस्मिल्लाह रहमान। पॉइंट फोर, इसका मतलब है कोई ना कोई क्लास में कर सकता था। पॉइंट फाइव, 15 फरवरी 2014 साल खत्म होने के, वो बोले डेढ़ महीने बाद, साल खत्म होने के डेढ़ महीने बाद ये पता चला कि कैशियर हैंड कर चुका है, उत्तरी फिर विड्रो ₹10 मिलियन, ओनर सोचा सब कुछ छोड़ के मैं कैश काउंटर पे बैठ जाता हूँ। इट वॉज रिवेल्ड दैट कंपनी कैशियर विड्रो ₹10 मिलियन फ्रॉडेंटली फ्रॉम द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से चेक बना बना के 10 मिलियन अपने रिश्तेदारों को देता रहा। इसमें से 7 मिलियन 31 दिसंबर 2013 से पहले चोरी होगी थी, तो काले
चलें जी, 7 रुपये और 3 रुपये के बारे में मेरे से सुन लें, इंग्लिश में क्या लिख के आना है। कितना नुकसान था उसमें से, कितना हमारे साल हो गया, बाकी चोरी कब हुई? अब ऑब्वियसली अगली चोरी को हमारे साल तो बुक नहीं करेंगे ना, तो जितनी चोरी हमारे साल हुई उसको हमारे साल बुक करेंगे। तो 7 रुपये के बारे में क्या लिख के आएंगे? रुपीज, फिक्र वहीं से उठा लेना, ₹7 विदड्रॉन बिफोर December 2013 इज एन इवेंट डेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन डेट एग्जिस्टेड एट, देयर फॉर ₹7 इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड एक्सपेंस शुड बी इंक्रीज एंड बैंक शुड बी डिक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ ₹7 million इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 31 December 2013। हाउएवर रिगार्डिंग ₹3 million इट इज एन इवेंट डेट इज इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन डेट अरोज after the balance sheet, therefore it is a non-adjusting event. However, if it is material, then it will be disclosed in the notes to the financial statement for 31 December 2013. और सिर्फ entry किसकी करेंगे? सात की। Expense bank cash नहीं। ये 7 रुपए की entry होगी? नहीं, 7 रुपए, 7 रुपए की entry, 25 रुपए नहीं मिलने हैं। पूरी entry पे 50 थे। अच्छा, WL एंड इट्स इंश्योरेंस कंपनी रीच एन एग्रीमेंट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 8 मिलियन। ये 8 मिलियन उसने 10 के बदले दिया होगा या 8 मिलियन 7 के बदले दिया होगा? यार उसको तो हम पूरा लॉस लेके गए हो ना अपने पास, पूरा लॉस 10, पिछले साल का लॉस, हमारे साल का लॉस 3, अगले साल का, सॉरी, पूरा लॉस 10, पिछले यानी कि हमारे साल का लॉस 7, अगले साल का लॉस 3, पूरी रिकवरी 8। इसके जरा पोर्शन करें, कैसे करेंगे आप? परसेंटेज निकाल लें, 7/10 कर लें, जो आपको मुनासिब लग रहा है जैसे भी कर लें। तो मैं भी ट्राई करता हूं, आप भी ट्राई करें। लॉस कितना था? 10। इसमें से कितने रुपए पिछले साल का, हमारे साल का यानी लॉस था? 7 रुपए। ये किस साल हुआ था? 2013 में। और 3 रुपए 2014 में। अब आप अगर इधर ही परसेंटेजेस निकाल लें तो बेहतर रहेगा। 70% लॉस 2013 का है और 30% लॉस टोटल रिकवरी बता लें। रिकवरी 8 का 70% ले लें और 8 का 30%, इधर ही बात है, पोर्शन नहीं कर सकते ना, और क्या कर सकते हैं जी? 2.4 निकालने की जरूरत नहीं है वैसे। अब इसकी एंट्री क्या कर दी है मैंने? एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितने रुपए? 7 रुपए। इसकी नो एंट्री क्योंकि ये नॉन एडजस्टिंग है। इसकी नो एंट्री, इसकी एंट्री रिसीवेबल डेबिट, नहीं बैंक डेबिट तो नहीं, मैं जरा लफ्ज देख लूं क्या। वी हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट, रीच्ड एन एग्रीमेंट मेरा नहीं, कल रिसीव हुआ है अभी। वी हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट, रिसीवेबल डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट कर दो, इनकम क्रेडिट कर दो, कोई मसला नहीं, जैसे मर्जी कर दो, नो प्रॉब्लम, एक्सपेंस क्रेडिट कर दो। ये लो, कितने रुपए से? 5.6। सो ₹5.6 इंश्योरेंस क्लेम रिकवरी इज एन इवेंट डेट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अ कंडीशन डेट एग्जिस्टेड बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर आवर रिसीवेबल शुड बी इंक्रीज्ड एंड आवर इनकम शुड बी इंक्रीज्ड या एक्सपेंस शुड बी डिक्रीज्ड। However, regarding 2.4 million, it is a non-adjusting event. क्यों नहीं ऐसे सोचा था वैसे, मुझे नहीं समझ दे, मेरे तो ख्याल से शांत था कोई। कितने लोग कह रहे थे सोचा था, लेकिन हम सोच रहे थे ज्यादा ही गहरा हो जाएगा जरा। कैसी नहीं दो छुट्टियां यार, बताया बताया था कर यार, किधर घूमने गया था यार। हाँ जी, इंश्योरेंस की रिकवरी की डेट सवाल ने नहीं बताई, जब भी रिकवर हो जाए कोई मसला नहीं। इंश्योरेंस के वालों के पास हम साल के बाद ही गए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें से वो लॉस जो हमारे साल का था तो उसकी इनकम भी फिर हमारे साल का इवेंट ही समझा जाएगा। हाँ जी, अगर मटेरियल है, मोहतरम IS-37 के साथ आप शायद चीज़ों को मिक्सअप करने लगे हैं। IS-37 को बीच में ना लाएं। IS-37 ये होता था कि हमने किसी को पैसे देने हैं
और आगे हमने किसी से पैसे लेने हैं, तो डू नॉट मिक्स इट अप। मेरे ख्याल से तो इधर तीन पार्टीज कोई नहीं है, वो ज़बरदस्ती चोर को पार्टी तो ना बनाए। ये रीइंबर्समेंट तो नहीं है, ये रीइंबर्समेंट IS-37 वाली तो नहीं है कि इस पर IS-37 वाले पैराज लगाएं। चोर को हमने तो नहीं देने, बल्कि उल्टा चोर ने हमें देने हैं, कुछ ऐसी कहानी नहीं है। तो इट इज़ सिंपल रिसीवेबल, बस ये रिसीवेबल है, इस पर रिसीवेबल के रूल लगाएं। IS-37 में रीइंबर्समेंट वो होती है जिसके अंदर हम दो पार्टीज इन्वॉल्व हों, हमने भी किसी को पैसे देने हो, फिर हमने किसी से लेने हो। तो डो नॉट मिक्स अप। चलें जी पॉइंट सिक्स, इन्वेंट्री कैरिड एट 25 मिलियन 31 दिसंबर 2013। 31 दिसंबर 2013 को भी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई है भाईजान, ये मैंने 15 मिलियन की बेच दी है। ओए मैं तो नुकसान में बेच दी है। आफ्टर इट हैड बीन रुड इन अ, रुड गई थी किसमें? फ्लड में। जी मोहतरम, ये घास है, ये पानी आ गया इसमें, और ये मेरी इन्वेंट्री रुड़ रही है। ये रुड़ी कब है? साल के बाद रुड़ी है। अगर ये रुड़ना, सॉरी, अगर ये रुड़ना हमारे साल के अंदर होता तो फिर ये क्या था? मुझे बताएं साल के एंड पे ये इन्वेंट्री सही सलामत थी या खराब थी? साल के एंड पे अगर मैं खड़े होकर देखता 31 दिसंबर को खड़े होकर अगर मैं देखता तो ये इन्वेंट्री सही सलामत थी या इसमें कोई मसला था? सही सलामत थी। तो इसका मतलब ये साल के एंड पे सही सलामत थी, इसको सही सलामत रहने दें, इसकी एंट्री ना करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अमाउंट मटीरियल है तो इसको डिस्क्लोज कर दें। सो आई थिंक इट इज एन इवेंट दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, so it should be disclosed in the notes to the financial statement if it is material। तो ये लिख लिया आपने, कौन सा इवेंट है ये? नॉन रजिस्टरिंग इवेंट। जी पॉइंट नंबर 9, दानी जी तरतीब नोट करते रहो, किसी बुक में इसी तरतीब में इनको कर दो। कंपनी ओन्स 1.5 लाख शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हूज प्राइस एट 31 दिसंबर 2013 वाज 190। हमने ना किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए थे, वो 1.5 लाख शेयर खरीदे हुए थे 190 रुपए के अतबार से, हो सकते हैं हमारी सब्सिडरी होती जो भी है क्या है। इन January 2014 आफ्टर द गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, जब गवर्नमेंट का ऐलान हुआ ऑफ न्यू ट्रेड पॉलिसी, नई ट्रेड पॉलिसी का, द शेयर प्राइस डिक्रीज बाय 40, शेयर प्राइस गिर के 40 रुपए रह गई है। ये गवर्नमेंट ने ऐलान कब किया है पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी? जनवरी में। क्या दिसंबर में पॉलिसी बनाई है? जनवरी में। तो 31 दिसंबर को तो कुछ ऐसा नहीं था, 31 दिसंबर को जब मैं वेबसाइट पे गया होगा तो शेयर मेरा कितने का होगा? 190 का, और साल के बाद 140 का। उसके होने की वजह क्या बनी? 140 का नहीं, 150 का हो गया होगा। उसके होने की वजह क्या बनी? तो गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी बनाई, वो ट्रेड पॉलिसी कब बनाई? जनवरी के अंदर बनाई। तो हमारे साल के एंड पे तो कोई मसला नहीं था। मसला तो अराउज हुआ जैसे ही 2 जनवरी को शहबाज शरीफ आए और 3 जनवरी को उन्होंने धमाका कर दिया हमारे सामने कोई कि यार ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो हमको यार हमारे तो शेयर सारे डूब गए। तो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, देयरफॉर इट मे बी डिस्क्लोज इन द नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज मटीरियल। पॉइंट 10, अच्छा हमारे पास ना ईयर एंड पे कुछ मोबाइल पड़े हुए थे, हमारे पास ईयर एंड पे कुछ मोबाइल पड़े हुए थे, तो जनवरी में किसी और ने नया वर्जन मोबाइल्स का लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से अब हमारे जो पुराने मोबाइल 31 दिसंबर को पड़े होंगे ना उन्हें हमें सस्ता बेचना पड़ा। तो ये कंपेटिटर कब आया बताएं? न्यू वर्जन जनवरी में। सो इट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट ड्यू। तो 31 दिसंबर को तो हमारे मोबाइलों में कोई मसला नहीं था, अगर बिक जाते तो अच्छी प्राइस में बिक जाते। तो इट इज अ बोले नॉन रजिस्टरिंग इवेंट। अच्छा अच्छा यार ये जो है ना अब कुछ चीज़ें अब ऐसी आने लगी हैं
जो शायद आपको दिखने में और लगें और मैं कुछ और बताऊं। तो अब ना ज़रा सारे डंटे बजें। अभी तो एक रिदम बनाया जा रहा था स्टैंडर्ड का, तो अब ना कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको ज़रा आपने समझना शुरू करना है। जी मोहतरम, पढ़ने मत तेरा। लिखें सस्ता बिकने की वजह सवाल नहीं बता रहा क्या बनी। माने माने सस्ता लिख, सस्ता बिकने की वजह सवाल नहीं बता रहा क्या बनी। ये अब मसला आएगा। इस तरह की एडजस्टमेंट्स अब हैं तीन चार, वो ज़रा आपने टेंशन से सुननी है। सस्ता बिकने की वजह सवाल नहीं बता रहा। कोई सैलाब आया जिस वजह सस्ता बिकी है, कोई जलजला आया जिस वजह सस्ते बिकी हैं, कोई कंपेटिटर आ गया जिसकी वजह से हमारी चीज़ सस्ती बिकी है, किस वजह से सस्ती बिकी ये मुझे नहीं पता। ओके अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ तो उससे शायद आप इसका जवाब दे पाएँ। अभी दिखने में हमें पता नहीं चल रहा कि वजह क्या बनी है। एक दुकानदार है, वो कुछ सामान उसके पास पड़ा हुआ है 31 दिसंबर को, मे भी कुछ प्रिंटर पड़े हुए हैं उसके पास, ठीक है। तो ये वो बेचने की कोशिश कर रहा है लेकिन स्लो मूविंग है, मिसाल दे रहा हूँ। वो बेचने की कोशिश कर रहा है, बिक नहीं रहा। तो ना जीर एंड के बाद एक ग्राहक आया, तो इसकी कॉस्ट थी मिसाल के तौर पे 10,000, तो मजबूरन उसे ना उस ग्राहक को ये 8,000 का बेचना पड़ा। तो मुझे बताएं अगर वो ग्राहक 31 दिसंबर को भी आ जाता तो 8 का ही बेचते ना, क्योंकि उसमें साल के बाद कोई ऐसा मसला नहीं आया, उसमें साल के बाद सवाल बता नहीं रहा कोई मसला आया है। अगर साल के बाद किसी चीज़ में मसले का आना या ना आना सवाल खामोश हो, तो हम एज्यूम करेंगे कि अगर ये चीज़ साल के एंड पे भी बिक जाती तो इतने की बिकती थी। असल में स्टैंडर्ड इस बेस पे बने कि कोई खुश फहमियों में ना रहो। आप घर के अंदर कह रहे हो अब्बू जो फलां चीज़ अमेरिका से लाए हैं बड़ी कमाल चीज़ है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब आप साल के बाद मार्केट में लेके गए कोई उसको लिफ्ट नहीं करा रहा। अगर आप साल के एंड पे भी ले जाते तो किसी ने उसको लिफ्ट नहीं करानी थी। ये तो साल के बाद आपने मार्केट में जाने की वजह से कुछ नहीं हुआ, वो साल के एंड पे भी आप ले जाते। तो एक बात याद रखिएगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रीजन फॉर चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, देन वी विल एज्यूम इट इज एन, फिर हम हमेशा एज्यूम करेंगे ये एडजस्टिंग इवेंट है। ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? 13। अगर ऐसा होता कि साल से पहले सैलाब आता और साल के बाद बेचते सस्ता, यार इधर देखें सुने ना, इधर 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 सारी बातें आप मेरी सुने। इधर सैलाब आया, इधर सस्ता बेचा, जल्दी बताएं एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग, क्योंकि साल के एंड पे मसला आ चुका हुआ था। इधर सैलाब आया, इधर सस्ता बेचा, नॉन एडजस्टिंग, बस इधर सस्ता बेच दिया और कुछ भी नहीं सवाल में लिखा हुआ, इधर सस्ता बेच दिया। तो मेरे ख्याल से तो दिसंबर के एंड पे भी बेचते तो मार्केट ने यही सलूक करना था आपके साथ। तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, अक्सर आई कैप टेस्ट करता है जिसमें रीजन नहीं बताई होती। पॉइंट 13 स्पेशल, इसको आप एनआरवी पे लेके जाएंगे, इसका एनआरवी लॉस हमारे साल के एंड पे बुक करेंगे आप 4,000 रुपये का। 4,000 रुपये की एंट्री लिख लें, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, बल्कि आप एनआरवी आपको निकालने की जरूरत नहीं, 10 दिन बाद एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस खुद ही आपको पता चल गई है, बस डायरेक्ट एनआरवी फौरन निकला 4,000 रुपये। इसकी अंग्रेजी जरा देख लेते हैं आई कैप कैसे लिखता है, अजीब सा सिनेरियो था। सेल इमीडिएटली आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कंफर्म्स दैट अ लॉस एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, ये जरा याद कर लीजिएगा अंग्रेजी। सेल इमीडिएटली आफ्टर द, इमीडिएटली का मतलब ये नहीं कि 10 को 15 को 20 को 25 को भी बिक जाए तो इमीडिएटली है। सेल आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कंफर्म्स दैट अ लॉस एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, कोई मसला था जरूर, क्योंकि अगर साल के बाद सस्ती बिकी है और कोई मसला मेरी तरफ से नहीं हुआ तो साल के एंड पे भी अगर मैं ले जाता बाजार में तो सस्ती बिकनी थी।
इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट सो विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल एंड डिक्रीज इन्वेंट्री बाय रुपीज 4000 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013। अच्छा पॉइंट वन पढ़ें दोबारा। डेटर की फैक्ट्री में आग कब लगी? इस दिन पढ़ते रहे साथ साथ। इस दिन आग लगी और बैंक करप्ट कब हुआ? तो इसका मतलब है जब मैं साल के एंड पे खड़ा था तो मुझे कोई मसला नजर आ रहा था मसला नजर कि आग लग चुकी है। अच्छा पॉइंट टू, आग लगी इस दिन, बैंक करप्ट हुआ इस दिन, जब मैं साल के एंड पे खड़ा था तो मुझे मसला नजर, तो इसलिए। अच्छा वैसे ही कोई डेटर इस दिन पैसे लेके भाग गया, और वैसे ही कोई डेटर इस दिन पैसे लेके भाग गया, ये डेटर बैंक करप्ट हो गया, कोई मसला हो गया। भाई जान अगर आप साल के एंड पे भी इसके पास जाते हैं तो उसने यही करना था आपके साथ। आप 4 January को किसी से पैसे लेने गए, उसने कहा यार मैं नहीं पैसे दे रहा, अगर आप 31 December को भी जाते तो उसने नहीं देने थे, क्योंकि अलग से कोई आग नहीं लगी जिसकी वजह से उसने ये बोला है। तो कुछ मिसाल के तौर पर कॉलेज वाले हैं, अब किसी बच्चे से पैसे मांग रहे हैं आज खड़े होके, तो वो पैसे नहीं दे रहा, तो प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे? यार 4 दिन पहले भी तुमने मांग लेते ना इससे, तो उसने कहना था है ही नहीं मेरे पास, मैं दूँ कहाँ से। तो ये जो डेटर और इन्वेंट्री है ना, इनमें अगर वजह ना बताए सवाल, तो इसको हमेशा क्या लेना है? बोले एडजस्टिंग इवेंट। अ कस्टमर हु ओड 35 million वॉज डिक्लेयर्ड बैंक करप्ट ऑन 10 January। Why? क्यों बैंक करप्ट हुआ है? क्वेश्चन इज नॉट टेलिंग एनी रीजन, क्वेश्चन इज नॉट टेलिंग। लिखें बैंक करप्ट होने की वजह सवाल नहीं बता रहा, बैंक करप्ट होने की वजह सवाल नहीं बता रहा, इसलिए इसको क्या लेंगे? एडजस्टिंग। पिछले सारे सवालों में क्या पता चल रही थी? वजह पता चल रही थी। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रीजन। इन केस ऑफ इन्वेंट्री एंड इन केस ऑफ डेटर, तो क्या लेने आपने हमेशा? लेकिन भाईजान इसकी एक एक्सेप्शन है, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं। इधर देखें, मैं भी नोट करने दूंगा आपको। साल के एंड पे हुकूमत ने पॉलिसी को चेंज कर दी और साल के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट सस्ती बेची, तो इट इज एडजस्टिंग। साल के बाद हुकूमत ने कोई पॉलिसी लाई और मैंने साल के बाद सस्ती बेची, मैंने साल के बाद सस्ती बेची, सस्ती बिक गई। ये जो है ना असूली तौर पे जो मैं अभी से सुबह का पढ़ा रहा हूं, जो 2 points पढ़ाए हैं उसकी बेस पे तो आप एडजस्टिंग कहेंगे, लेकिन इसे नॉन एडजस्टिंग कहते हैं। द रीजन इज कि इन्वेंट्री और डेटर जो है ना शेकी लोग नहीं है, यानी कि इतना ज्यादा इनकी प्राइसेस में चेंज नहीं आता डेली बेस पे। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है ना, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं तो हर 5 सेकंड बाद भी इनकी प्राइस बदल रही होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स की नेचर ऐसी है कि हर लम्हे ऊपर नीचे हो रही होती है। तो अगर साल के बाद आपने सस्ती बेची है तो यकीनन स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से आपने सस्ती बेची है। ये अज्यूम नहीं करना कि अगर मैं साल के एंड पे भी बेच देता तो इतने की बिकनी थी। तो इन्वेस्टमेंट, ये जो मैंने 2 रूल पढ़ाए हैं इसकी एक्सेप्शन है। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसको आपने क्या लेना है? नॉन एडजस्टिंग। ओके नेक्स्ट जी आगे चलें। ये स्पेशल केस कौन कौन सा हो गया? 3 और 13 हाईलाइट कर लिया आपने। अब इन्वेस्टमेंट्स वाला केस मैं ढूंढ लेता हूं अगर मुझे मिलता है तो। एडजस्टमेंट नंबर 14
वी ओन इन्वेस्टमेंट्स, वी सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, क्यों क्यों पांच रुपए का नुकसान आया? सवाल से हमने पूछा क्यों पांच रुपए का नुकसान आया, वजह बताएं, वजह बताएं, वजह नहीं पता, तो फिर क्या करें? इसको नॉन एडजस्टिंग लेना, क्योंकि ये किसका सिनेरियो है, इन्वेंटरी का, डेटर का या इन्वेस्टमेंट्स का? इन्वेस्टमेंट्स का। इसमें भी वजह नहीं पता। ओके, इधर देखें, एक और स्पेसिफिक सिनेरियो, वो एक गारंटी इश्यू करने का। पीटीसीएल ने गारंटी दे दी बैंक को कि यू फोन को लोन दे दो, लेके भागा तो मेरी जिम्मेदारी, और यू फोन ने डिफॉल्ट कर दिया या इसकी फैक्ट्री में आग लगी, कोई मसला हो गया, यू फोन ने डिफॉल्ट कर दिया। एडजस्टिंग इवन नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। गारंटी देने से लाइबिलिटी नहीं आती, जिसकी गारंटी दी गई है जब वो डिफॉल्ट करता है तो लाइबिलिटी आती है। ये खास सिनेरियो है, इसको भी समझे। मैं एक छोटी सी एक और मिसाल देता हूं। मैंने पांच बच्चों की जिम्मेदारी ले ली कि पांच बच्चे 10,000 रुपया लोन ले लें सर आसिफ से। सर आसिफ के पास बच्चे गए लोन लेने के लिए 10,000 रुपया, तो सर हमने जाना है ईद पे, ये वो थोड़े से बकरे में भी हम चाह रहे हैं इसमें पैसे डाल दें, तो ये कर करा के ना 10,000 रुपया हमें उधार चाहिए। अब सर आसिफ ने कहा भाईजान मैं उधार नहीं देता। मैंने सर आसिफ का, सर आसिफ आप परेशान ना हो, मेरी गारंटी है, ये बच्चे अच्छे हैं, शरीफ हैं, माशाल्लाह समझदार हैं, तो मोबाइल इनके देखें आप, लेवल इनका देखें, तो ये शरीफ बच्चे अच्छे बच्चे हैं, आप परेशान ना हो, ये पैसे आपको वापस कर देंगे। ये क्या एंट्री करेंगे जब सर आसिफ से उधार लेंगे? ये लोग क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट लोन पेएबल क्रेडिट, कितने से? 50,000 50, यानी 10,000 से। अच्छा मैं क्या एंट्री करूं? पेएबल क्रेडिट 50,000, मैं भी पेएबल बुक कर लूं। मैं कब पेएबल बुक करूं? जब अगला बंदा, एक बच्चे ने मुझे आके बताया सर वो जो एक बच्चा ना उसने सीए छोड़ दिया। उत्तरी खैर, मैं कहूं यार लो मेरा तो 10,000 गया, अब मैं क्या करूं? बुक एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेएबल टू सर आसिफ क्रेडिट, ये अब मैं एंट्री करूं। अब मैं एक्सपेंस डेबिट करूं क्योंकि मेरे पास तो कैश आना ही नहीं, मैंने तो गारंटी दी थी सिर्फ। तो जब आप गारंटी देते हैं तो गारंटी देने पे लायबिलिटी बुक करते हैं या जिसकी गारंटी दी थी वो डिफॉल्ट करते तो लायबिलिटी बुक करते हैं? अब आपने गारंटी देने को नहीं देखना, अगर उसने डिफॉल्ट साल से पहले की है तो एडजस्टिंग इवेंट, और अगर उसने डिफॉल्ट साल के तो फिर नॉन एडजस्टिंग। पढ़े जरा ये सवाल, समझ आ रहे कौन से पॉइंट है आप? 11। इन मार्च 13 WL इशूड अ गारंटी अगेंस्ट द लोन ऑब्टेन्ड बाय इट्स सब्सिडरी। जी, गारंटी का इशू ही है। अब देखने में आपको लग रहा है कोई मसला है, लेकिन इस मसले को मैं बदर नहीं कर रहा। इन मार्च 13 WL इशूड अ गारंटी अगेंस्ट द लोन अमाउंटेड इन जनवरी 14 द फैक्ट्री ऑफ RL वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर एंड RL विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन। इसकी फैक्ट्री में आग लगी, तो भाई जान गारंटी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर फैक्ट्री में आग दिसंबर में लग गई होती, लिखें, अच्छा फिलहाल तो सॉल्यूशन लिखें ना आगे, इट इज नॉन एडजस्टिंग, इट इज नॉन एडजस्टिंग बिकॉज इट इज इवेंट डेटर इंडिकेटिव ऑफ अ कंडीशन डेटर रोज आफ्टर द बैलेंस शीट। पहले तो लिखें नॉन एडजस्टिंग, फिर आगे उर्दू में लिखें, अगर फैक्ट्री में दिसंबर में आग लग जाती तो फिर मैं अपने पेपर को भी अगर फैक्ट्री में दिसंबर में आग लग जाती तो मैं एडजस्टिंग इवेंट लेता। हम ना लिखें तो मैं अपना अपना पेपर, अगर फैक्ट्री में कब आग लग जाती तो मैं इसको क्या लेता? एडजस्टिंग इवेंट। जी हाँ, अभी ये इंडिकेशन ही है ना, और सवाल और क्या कह सकता है? अगर सवाल बाजी कह दे कि पे कर सकते तो ठीक है, फिर खत्म करो, फिर ना करो। जी मोहतरम,
10 जनवरी को, 10 सितंबर को मैंने क्रेडिट सेल की है। मैंने पाकिस्तान से बाहर के मुल्क के अंदर जो है वो कुछ जराबें बेची, तो बाहर वाले बंदे को मैंने कहा $1 मुझे भेज दो, यानी कि 150-200 रुपया मुझे चाहिए, तो 200 रुपये की मैं तुम्हें देता हूँ, तो मुझे जो है ना वो भेज दो। क्रेडिट सेल मैंने 10 सितंबर को कर दी है, 10 सितंबर 13, 31 सितंबर 13 को चलें एक्सचेंज रेट्स 10 सितंबर 13 को डॉलर है, चलें सेल $10 की कर लेते हैं, $1 है 180 रुपये का, फिर 31 सितंबर 13 को डॉलर है 190 रुपये का, और 31 मार्च 14 को जिस दिन डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या किया है, ऑथोराइज किया है, उस दिन डॉलर है 192 रुपये का। जी मोहतरम, एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट, एंट्री बताएं 10 सितंबर को, 10 सितंबर को एंट्री बताएं, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट $10 इंटू 180 1800। 31 सितंबर 13 को वर्सेस वाली कैलकुलेशन करें, डेटर 190 इंटू 10 1900 वर्सेस 1800, 100 रुपये डेटर से और लेने हैं, डेटर डेबिट और पी एंड एल क्रेडिट कितने से भाई जान। IAS 21 कहता है कि बैलेंस शीट डेट वाला रेट लगाना है बस आपने, अब आपने एडजस्ट नहीं करते रहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि 2 जनवरी को डॉलर कितने का हो गया, 3 जनवरी को डॉलर कितने का हो गया, 15 को डॉलर कितने का हो गया, 31 मार्च को डॉलर कितने का हो गया, ये बोंगी नहीं मारनी। तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड जिस दिन डायरेक्टर्स ऑथराइज करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो एडजस्टमेंट फॉर 192, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। डन, ओके, यू हैव हाफ मिनट टू नोट इट डाउन। और ये तो IAS 21 में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा कॉन्सेप्ट कि डॉलर साल के बाद महंगा या सस्ता हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, डॉलर को किस रेट पे रखना है, 31 दिसंबर के रेट पे। जी मोहतरम, असल में ना IAS 21 जो है वो ये कहता है कि बैलेंस शीट डेट के ऊपर आपने चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, फिर जब किसी एक स्टैंडर्ड में वाज़े गाइडेंस आ जाए ना तो फिर वो दूसरा नहीं लगेगा। उधर नहीं नहीं इसमें सेल हमारे मोरे साल से पहले बाद वाला चक्कर ही कोई नहीं है, इसमें IAS 21 के सिंपल रूल्स लगाओ, क्रेडिट सेल बुक करो, ईयर एंड का रेट लगाओ, साल के बाद डॉलर के साथ जो होता है वो डॉलर की किस्मत। क्या नहीं देखो, चेंज किया तो नहीं, चेंज करना तो हमारे बस में नहीं होता ना, डॉलर का रेट जो भी हो जाए साल के बाद हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमने अपनी फाइनेंशियल। हाँ अगर आपको स्टिल मटीरियल लग रहा है तो आप बता दो यूजर्स को कि भाई जान 190 की बजाय 1900 का हो गया डॉलर, यूजर को आप बता दो आपको मटेरियल लग रहा है तो, बस इससे ज्यादा और क्या करना है आपने। चलें आखिरी लाइन पढ़ लें, आप आखिरी एडजस्टमेंट पढ़ लें। डिस्क्लोज तो फिर वो IAS इसी की स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दो। जी मोहतरम, डेटर बैलेंस विच वॉज ट्रांसलेटेड एट ईयर एंड, किया जा चुका है ईयर एंड पे ट्रांसलेट, देखें डेटर बैलेंस विच वॉज ट्रांसलेटेड एंड वॉज चेंज आफ्टर ईयर एंड ड्यू टू, वो डेटर का बैलेंस चेंज हो गया
वो चेंज किस वजह से हुआ है कि हमें फील हो रहा है अब हमने उससे ज्यादा पैसे लेने हैं या देने हैं, जो भी है हमने उससे ज्यादा पैसे लेने होंगे या कम पैसे लेने होंगे, लेकिन इस चेंज को क्या करें, इग्नोर करें, इट इज अ नॉन एडजस्टिंग यूनिट। यह एक अजीब सा सवाल है, 15 यहां तक समझ आ गया, अजीब सा सवाल है 15, आपको करते हुए भी शर्म सी आएगी। हाँ जी लिखें सॉल्यूशन इसका, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, लिखें इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट इज नॉट अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लिखे 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 इट इज, क्लास में कोई तो थोड़ी देर शुभल तो होना चाहिए ना, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट इज नॉट अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAS 10 एंड इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ IAS 10। अच्छा अब जरा अगर मैंने ये लिखवा दिया सोल्यूशन तो खुद समझने की कोशिश करें थोड़ा सा। यार ये स्टैंडर्ड जो है ना, जब तक डायरेक्टर ने साइन नहीं किया तब तक ही चीजों को देख सकता है, फ्यूचर को तो हमें इल्हाम नहीं होगा ना। तो अब क्या हुआ, डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज कर दी, प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट होने चली गई, प्रिंट होके यूजर्स के घरों में पड़ी हुई है, हमें पता चला कोई और गलती पता चल गई हमारे साल की। भाई ये स्टैंड कहता है यार मैं क्या करूं, अब मैंने तुम्हें उस वक्त तक सपोर्ट किया था जब तक के तुम सीए ना कर लो, अब तुमने सीए कर लिया फिर मेरी सपोर्ट मांग रहे। मिसाल तो स्टैंडर्ड कहते हैं कि भाईजान अगर इस दिन चोरी हुई, सॉरी इस दिन पता चला और इस दिन चोरी हुई, तो आइए स्टैंड कहते हैं मैं क्या करूं फिर। जो एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग की डेफिनेशन पड़ी थी उसमें एक लफ्ज था, अगर आपने फोकस किया हो, बिटवीन द एंड ऑफ बैलेंस शीट डेट एंड द डेट डायरेक्टर्स ऑथराइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू, इस अरसे के दरमियान के अंदर कुछ चीजें हो तो IAS 10 कुछ आपको गाइड कर सकते, इसके भी बाद आप कुछ कर रहे हो तो फिर स्टैंडर्ड कुछ नहीं कह सकता। बल्कि आपने तो FR1 पढ़ी हुई है, अब इसको हम अगले साल इस पे IAS 8 लगा देंगे, इसको प्रायर ईयर एरर कह देंगे कि पिछले साल की एरर थी हमारे से पकड़ी नहीं गई थी, याद आ रहे इसको, इस पे IAS 8 लग जाएगा और हम अगले साल इंशाल्लाह इसकी एंट्री कर देंगे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट की या इन्वेंट्री क्रेडिट की बजाय रिटेन्ड अर्निंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये पढ़ा था ये सेट में आपने कुछ तो क्या, तो इस तरह की कोई चीज़ है ये, तो शायद इस पे IAS 8 लगे। फिलहाल IAS 8 लगे ना लगे वो साइड पर रखें, मुझे बताएं क्या इस पे IAS 10 लग सकता है, क्या डायरेक्टर के साइन होने से पहले पता चल गया, नहीं पता चल गया तो अब मैं कुछ कर सकता हूँ। और एक मजे की बात सुने, अगर अगले दिन भी पता चल जाए ना 1 अप्रैल को, तो फिर डायरेक्टर ये नहीं कहते यार दोबारा मंगवाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन कर देंगे, अच्छा अगले दिन तुम लोगों ने कुछ और ले आने, डायरेक्टर ने डायरेक्टर के दिमाग की दही बनानी है आपने। तो ये स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान जब डायरेक्टर, इसलिए एक डिस्क्लोजर है स्टैंडर्ड में, वो डिस्क्लोजर क्या है, वो डेट बताओ जिस दिन डायरेक्टर्स ने साइन किए, ताकि यूजर्स को बताओ कि इस दिन बाद जो भी हुआ वो फिर अल्लाह वाले हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस दिन के बाद अगर कुछ पता चले जो इस साल हो चुका है, असूली तौर पे तो इस साल एडजस्ट होना चाहिए था लेकिन इंसान है भूल गए, अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर के घर से दोबारा मंगवा लें, डायरेक्टर के साइन होकर घर जा चुके हैं, फिर तो यही काम करते रहेंगे। तो इसलिए IAS 10 कहते हैं भाईजान भागो, मैं पॉइंट 15 में आपको कुछ नहीं कह सकता, IAS 10 के स्कोप से बाहर है, तो फिर ना इसको एडजस्टिंग कहेंगे और ना इसको नॉन एडजस्टिंग कहेंगे। अच्छा 14 हो गया, 12 तो यार मशहूर जमाने, 12 में क्या है, 12 तो हजार दफा क्लास में किया हुआ है, FR1 में किया, FR2 में किया हुआ है। आप अगर इसको मुश्किल समझ के पढ़ेंगे तो वो आपकी मर्जी है, ये तो FR1 में कराया जाता है बार बार। और भाई जान 2013 का साल है ना, तो 13 के साल का फाइनल डिविडेंड 14 में अनाउंस होगा, तो इसलिए रिकॉर्ड भी 14 में ही होगा, ये क्यों 13 में रिकॉर्ड होगा। फाइनल डिविडेंड्स मुझे बताएं कब रिकॉर्ड होते हैं, जब अनाउंस हो जाएं,
तो अनाउंस कब होते हैं? अगले साल। तो 27 फरवरी को खड़े होकर हमने अनाउंस किया 25% बोनस शेयर देंगे लोगों को 2013 के साल वाले। तो 13 के साल के बोनस शेयर बांटने हैं, तो ये कौन सा डिविडेंड है? फॉर 13 में हमारे बहुत अच्छे प्रॉफिट आए हैं, तो हमने सोचा है ऐसा करते हैं 27 फरवरी 2014 को कि डिविडेंड बांट दें। तो ये कौन सा डिविडेंड होता है? ये मेरा 13 का साल है और मैंने 27 फरवरी 2014 को 13 के प्रॉफिट देख कर डिविडेंड अनाउंस किया है। जी बताएं इसको क्या लूं? और आपको पता है ये 14 की स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में नजर आता है, किस स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में नजर नहीं आएगा? इट विल नॉट अपीयर इन सॉसी, इट विल नॉट अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ 13, बल्कि किस स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में नजर आएगा? तो नॉन एडजस्टिंग फॉर 2013 के लिए नॉन एडजस्टिंग। एक धमाका होने लगा है इस एडजस्टमेंट में, इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। जरा मशवरा दें क्यों इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। मैंने तो कहा नॉन एडजस्टिंग को अगर मटेरियल हो तो डिस्क्लोज कर दो। नहीं नहीं नहीं, वो ये कोई लॉजिक नहीं है 13 का फाइनल या वो, मैं कह रहा हूं इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। नहीं हो सकते हैं मटेरियल हो सकते हैं हमने 2-2 रुपए बांटे हों। भाईजान मज से क्या आता है? दूध। अच्छा तो दूध ही ना है तो क्या फायदा? कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसा डाला हुआ है, उसे सिर्फ क्या चाहिए? वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल परचेज एक्सपेंसेस इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री IFRS 16 IAS 36 नहीं देखता। मेरे जैसा बंदा अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो दीवाना बड़ा ढूंढ रहा होता है, भाई डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड कितना दिया। तो यही तो चीज उसको चाहिए होती है कि डिविडेंड मुझे कितना दे रहे हो। तो यही हमने उसको बताई ना, तो बताया क्या फिर उसको? तो डिविडेंड बताना जरूरी है। तो डिविडेंड मस्ट, और कोई चीज ऐसी नहीं है, डिविडेंड ऐसा है फाइनल डिविडेंड जो नॉन एडजस्टिंग है और जो डिस्क्लोज करना भी जरूरी है। तो कौन सा है ये 12? सिंस द डिक्लेरेशन, ये भी याद करना है आपने 12वां। सिंस द डिक्लेरेशन वॉज अनाउंस्ड आफ्टर द, डिक्लेयर करना अनाउंस करना वॉज अनाउंस्ड आफ्टर द ईयर एंड एंड देयर वॉज नो ऑब्लिगेशन एट ईयर एंड, ईयर एंड पे तो अनाउंस ही नहीं किया हुआ हमने। सो इट इज अ डिटेल्स ऑफ डिविडेंड मस्ट हाउएवर बी डिस्क्लोज। लिखें इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 2013, Details of dividend must be disclosed in notes to the financial statement for year ended 31 December 2013. तो 31 December 2013 की financial statement में इनको disclose करना binding है आपके लिए। प्लीज डू नॉट मिक्स IAS 37 विद IAS 10, बोथ आर एंटायरली इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स, दे हैव नो लिंक। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना कभी अंग्रेजी बोली जा रही तो सुन नहीं रहे होते हैं। मैं कह रहा था कि IAS 10 37 को ना मिक्स करने की जरूरत नहीं है, अभी जो मेरा सवाल है वो सुन लें। अच्छा जी, एम्प्लॉय इंजर हुआ इस दिन और केस किया उसने साल के बाद, IAS 10 लगाएं। अभी मुझे IAS 37 ना लगवाएं, IAS 10 लगाएं। एडजस्टिंग इवेंट, ओ नहीं IAS 37 ना लगवाएं, मुझे सिर्फ ये बता दें एडजस्ट करेंगे या नॉन एडजस्टिंग है।
फिलहाल ये जरा सोच के बता दें, एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? क्यों, साल के एंड पे एम्प्लॉय सही सलामत था या पहले ही टह चुका था? ये हम खड़े हैं, हम नहीं टहे, एम्प्लॉय हमारा टहा, तो इसका मतलब है ये क्या है? बिकॉज इट इज ए, ये जो कोर्ट में केस किया उसने खिलाफ, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट, या डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट, कट कट बुक, बुकें कटे, डन। अब ना अपने लॉयर को फोन लगाया और लॉयर से कहा क्या चांस है केस हारने का? लॉयर ने कहा बट साहब फारग हो गए हो, तुसी तैयार हो जाए, करोड़ रुपया देना पड़ेगा, यू विल लूज द केस। लॉयर ने ये फिक्रा बंद करके मैसेज करके फोन बंद कर दिया, यू विल लूज द केस। आप बता दें जी पैसे देने का चांस हाई है या लो है? आप आइए 37 लगा के बताएं कि ये प्रोविजन है या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। बोले बोले प्रोविजन है या कॉन्टिजेंट? नो, वट इज दिस IS 37? बट जब तक लॉयर का लफ्स मैंने नहीं लिखा था, दैट वॉज IS 10। तो शायद अब मैं अगर एंड पे ये कंक्लूड करूं कि IS 10 बताता है किस साल लाइबिलिटी बुक करनी है और IS 37 बताता है बुक भी करनी है या नहीं करनी। तो अगर आप लिखना चाहें, IS 10 बताता है कब एंट्री करनी है, ये लिखें, ये पहले मिसाल लिखें, ये मिसाल लिखें और नीचे लिखें एम्प्लॉय इंजर हुए साल के बाद उसने केस किया। बल्कि एक सवाल मैंने कराया था, साल के बाद एम्प्लॉयज ने केस का आके कर दिया था, मैंने कहा था खैर है कोई मसला नहीं। अच्छा, IS 10 बताता है कब एंट्री करनी है, ये जरा डॉट्स देख के बताएं, एंट्री अगर करनी है तो करेंगे ना हम हमारे साल में। IS 10 बताता है कब एंट्री करनी है और IS 37 बताता है, IS 37 बताता है कि प्रोविजन है या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है या रिमोट चांस है, और IS 37 बताता है कि प्रोविजन है या कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है या रिमोट चांस है। रिमोट चांस है, अच्छा ये ना क्या कहते हैं, बिल्कुल आपके जो दिल में बात आ रही है मैं भी वही करने लगा हूं कि बच्चे जो है ना जब अगस्त में चले जाते हैं ना घर, तो अगस्त में घर जाके वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने घर बैठ के हमने एक सवाल किया जिसमें डिसमेंटलिंग का एस्टीमेट और रिवेल्यूशन सेम डेट को हो रही थी, तो सर ये ज़रा थोड़ा सा एक वीडियो बना के बता दें कि इसको क्या करना है। तो फिर इनको अगस्त में वीडियो बना के भेजी जाती है, वो फिर मैं घर से रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ। तो अभी आप हजरात जा सकते हैं, तो ये मैं आपके लिए अभी वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ, अगर आप हजरात ने इसको अटेंड करना है तो बैठे रहें, वरना आप हजरात जा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, क्लोज कर दो यार।